अब बात करते हैं कि मैक्रोस, वीवीए, मैक्रोस क्या, वीवीए के बारे में हमने जाना कि वीवीए जस्ट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है जो कि कम्युनिकेट करती है एक्सेल टू ह्यूमन। मैक्रो क्या है? बहुत सारे लोग समझते हैं क्या कि वीवीए जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो है, और मैक्रो जो है जो हम रिकॉर्ड करते हैं व्यू में जाके, दैट इज मैक्रो। ठीक है, ये अलग चीज है। मैक्रोस क्या है? आपको ऑटो पायलट, जैसे कि आपने हॉलीवुड मूवी में देखा होगा कि प्लेन को ऑटो पायलट मोड पे कर दिया, प्लेन ऑटोमेटिक रन हो गया, ऑटो पायलट को एक कमांड दी होती है कि आप कैसे प्लेन को फ्लाई करना है, किस सिचुएशन में क्या चीज को अप्लाई करना है। तो प्रोग्रामर ने अपना दिमाग लगा के उसने सारे कंडीशन, सारे रूल्स रेगुलेशन, अब कंप्यूटर क्या करता है, उस रूल रेगुलेशन को लेते हुए जो कंडीशन उसको मिलता है, उस कंडीशन में उसका फंक्शन को अप्लाई करता है और प्लेन को फ्लाई करता है। जस्ट लाइक एक्सेल में मैक्रो बनाते हैं, वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग बनाते हैं, आप क्या करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं डेली बेसिस पे। अब ऐसे कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि लंबी है और बनाने में 2.5 घंटे 3 घंटे का टाइम लग जाता है। डेली आपको 2.5 घंटा 3 घंटा इसके लिए देना पड़ता है, राइट? इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो वीवीए का हेल्प कैसे लेंगे? वीवीए का हेल्प लेके जो प्रोसेस के जरिए आप रिपोर्ट बनाते हो, जैसे आप डेटा ओपन करते हो, डेटा को सही करते हो, कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, पिवट लगाते हो, पिवट में फिल्टर लगाते हो, पेस्ट करते हो, फॉर्मूला लगाते हो, चार्ट लगाते हो, सेव करते हो, सीट नेम चेंज करते हो, जो भी आप प्रोसेस करते हो वन बाय वन, उसकी कोड वहां पे हम वीवीए लैंग्वेज में डालते हैं वन बाय वन। ठीक है, उसके पहले पर्टिकुलर फाइल को ओपन करो, डेटा को स्कैन करो, कॉपी करो, पिवट लगाओ, पिवट को फिल्टर लगाओ, कॉपी करो, चार्ट लगाओ, सेव करो, ये सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप उसकी कोडिंग में लिखते हैं। ठीक है, अब उसका फायदा क्या होगा? अगर भी आपको वही रिपोर्ट आपको बनाना है, बस डेटा का लोकेशन डेटा डाल दीजिए, चाहे सीट का लोकेशन हो या फाइल का लोकेशन हो, डेटा को अपडेट कीजिए, मैक्रो को ट्रिगर कीजिए, मतलब जो काम 3 घंटे में करते हैं वो काम आपको 3 सेकंड में करके आपको दे दो, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। आप करेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांसेस हैं, लेकिन सिस्टम करेगा गड़बड़, इनपुट उसको गलत मिला तो आउटपुट गड़बड़ देगा, ऐसे गड़बड़ नहीं देगा। जैसे कि कैलकुलेशन आप करते हो तो कैलकुलेशन करते समय आपकी गड़बड़ी हो सकती है, कंप्यूटर गड़बड़ नहीं करेगा। कंप्यूटर गड़बड़ कब करेगा? जब उसको गड़बड़ दीजिएगा। तो माइक्रो ये है, इसको ऑटो पायलट करना। तो ऑफिशियल लाइफ में इसका इस्तेमाल हम करते हैं रिपीटेड जॉब, लेंदी जॉब को ऑटोमेट करने के लिए, वैलिडेशन लगाने के लिए। कोई बड़ी तोप नहीं है, आप इसको जनरली सीख सकते हो अगर एक्सेल आपको आता है, कंपेयरिंग करके। क्योंकि जो भी फीचर अप्लाई करोगे आप, एक्सेल के फीचर अप्लाई करोगे ना वीवीए के थ्रू, हां तो एक्सेल के फीचर आने चाहिए, सिंपल सी बात है। इसलिए मैंने आपको बोला कि वीवीए करने से पहले एक्सेल की नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैक्रो क्या है समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया। एक्चुअली मुझे लास्ट 4 इयर्स से मैं एक्सेल में काम कर रहा हूँ, तो एक्चुअली तो ऑलमोस्ट फिर आपकी आवाज 60 to 80% आ रही है थिंग्स। हाँ हेलो हेलो, बोलिए सर। तो एक्सेल जो है, मैं 4 साल से मैं एक्सेल में काम कर रहा हूँ, तो एक्सेल का जो है ऑलमोस्ट नॉलेज मुझे है, ठीक है मैं 60 to 80% नॉलेज मुझे है, बाकी 20% आपको लगता है कि आपको एक्सेल आता है, तो मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन क्या होता है सर कि एक्सेल आप उतना ही जानते हैं जितना आपने यूज किया है अपने ऑफिशियल लाइफ। ठीक है,
माल से जो चीज एग्री नहीं पड़ी उसको आपने इस्तेमाल नहीं किया होगा, इतने दिक्कत। आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो है मेरा कोर्स आउटलाइन जो एडवांस एक्सेल का है, उस कोर्स आउटलाइन को एक बार स्टडी कर ले। अगर उस कोर्स आउटलाइन में आपको ऐसा लगता है कि आप 50% 60% जानते हो, यू आर एलिजिबल फॉर द जीके मैकेट। कहाँ पर है वो? iptindia.com पे। okay, iptindia.com पे आप जाएंगे तो ये हमारा पहला कोर्स है। okay. ये आप करेंगे तो वीबीए के साथ ये दोनों अटैच हो, ये एक्सेस अटैच है वीबीए के साथ, पहले बता दूंगा। ये बहुत सारे कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी का पार्ट है जो कि वीबीए के लिए एक्सेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर किसी के पास सिक्योर सर्वर तो होता नहीं है, इसलिए हम एक्सेस पे। ये एमएस एक्सेस डेटा ना, तो ये जो थर्ड वाला है एमएस एक्सेस डेटाबेस विद वीबीए और एसक्यूएल, हां ये पूरा ओवरऑल कोर्स है क्या? हां ये पूरा इसके इसके साथ इंक्लूड है, क्योंकि वीबीए तो आप कर ही रखे हैं, वीबीए तो आप कर ही रखे हैं। एक्सेस को एक्सेल के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, सिक्वल सर्वर कैसे कनेक्ट किया जाए, ये सब की तो क्यूरी वगैरह की प्रैक्टिस के लिए एक्सेस की जरूरत पड़ती है। बिना एक्सेस के बहुत सारी चीज छूट जाएगी आपके लिए, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको मैं अलग नहीं कर सकता। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेल की। आपका एक फीचर आ जाता है एडवांस एक्सेल फॉर वर्क प्रोफेशनल। अब इसकी कोर्स आउटलाइन पे आप जाएं, ठीक है, अब एक कोर्स आउटलाइन के सारे टॉपिक्स है, टॉपिक को ले कॉपी कर ले, फिर वो एक्सेल पर रख ले, और जो जो चीज आपको आता है ना उस पे आप टिक लगा। ठीक है, और हो सके तो इसकी दो चार वीडियो जो है यूट्यूब पे भी देख ले। ठीक है, इसमें दिक्कत कहा देखिए आपको, मैं बता आपको सब चीज आता होगा, दिक्कत होगा आपको यहाँ पे छठा पार्ट है ना, छठा पार्ट से एडवांस फॉर्म दिख रहा है आपको, डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये जो 6-7-8 टॉपिक है इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, बाकी इसी पूछे हो सकता है आपको अगर नहीं आ रहा डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड ठीक है, समझ गया मैं, देख ये कॉपी करके मैं बात कर लेता हूं क्योंकि मुझे आता है। अब बात करते हैं फीस की। ओके, अब इसकी जो फीस पड़ेगी आपको, ये फीस पड़ेगी वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की 10,000 रुपीज, जिसमें एक्सेस इंक्लूड होगा। ड्यूरेशन 1.5 से 2 महीना होगा, लेकिन ये आपका बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, डिपेंड करता है आपकी लर्निंग स्टाइल पे। दो बार का कोर्स अगर ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको मोस्टली 1 या 2 बच्चे हो सकते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग का बैच ज्वाइन करेंगे तो आपके साथ कुछ बच्चे और भी आ सकते हैं, 5-6 बच्चे का जो बैच मिल सकता है। इवनिंग की अगर आप आफ्टरनून की बात करें तो मेरे पास जो टाइमिंग खाली है वो 10 से 11 या 11 से 12 दो स्लॉट खाली है। 10 से 11 की तो बात चल रही है लेकिन 11 से 12 फ्री है, और 12 से 1 भी फ्री। तो आप 12 से 1 जो है वो फ्री नहीं है, माफ कीजिएगा, वो है क्या आज वो आया नहीं है क्योंकि मंथ एंड था, इसलिए 12 से 1 से 2 फ्री है और 11 से 12 फ्री है। दो बैचेस हमारे फ्री हैं, आप इसमें से आफ्टरनून ज्वाइन कर सकते हैं। और ट्रेनिंग में मैं क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, इसके लिए तो मैंने यूट्यूब पे 1700 वीडियो डाल रखी है, आप 5-8-10 वीडियो देख लीजिए। आपने यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखी है? हाँ, देखा, समझ रहा हूँ। 1700 है। अब मीडियम आपने समझ लिया है कैसे क्लास लेना है आपको, गो टू मीटिंग कैसे यूज होगा, कैसे बातचीत करोगे, कैसे समझोगे। तो ये आप डीवीडी, अगर आप चाहो कि मैं डीवीडी परचेज करूं तो एक्सेल वीवीए माइक्रोज का डीवीडी आपको पड़ेगा 2500 का, वो आप परचेज कर सकते हैं और उसकी कोर्स 10,000 की है। बट वही है कि डीवीडी से आप 40 से 50% ही सीख पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं सीख पाएंगे आप, क्योंकि सिंपल सी कहा हुआ था ना सर, गुरु वगैरह ज्ञान नहीं होता है। तो डीवीडी में आप बोल रहे
एडवांस एक्सेल और वीबीए और एक्सेल, ये तीनों बस लेक्चर जो है जो स्टार्टिंग से थोड़ा बेसिक से लेके लास्ट तक, जो वीबीए का बेसिक से लेके लास्ट तक पूरा है उसमें। हाँ देखिए, वो जो हमारा जो वीवीए का लेक्चर है, मैं उसमें लिख ही रखा हूँ कि मैं लाइव क्लासेस की वीडियोज है, जो एक बैच का पूरा रिकॉर्डिंग में डाला हुआ है। अच्छा, और मैं भी लेक्चर लाइव क्लासेस, अगर मैं 10 हज़ार भरता हूँ तो मुझे एडवांस एक्सेल का जो है, जो मुझे नहीं आता कुछ कुछ चीज़ें, और वीबीए और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो ये तीनों कवर हो जाएगा, जो भी 2 महीना 3 महीना 1.5 महीना ऐसा, ठीक है, आप सोच के मुझे बता राइट? दीजिएगा, टाइम खाली है आप बता क्या दीजिएगा, मैं वेबसाइट पे जाके एनरोल कर हाँ दूंगा। ठीक है, और फ्यूचर में अगर मुझे कुछ नहीं समझ रहा होगा, कुछ डाउट्स है, देखिए, अगर तो वो आप, भी मैं देखिए डाउट बताता हूँ आपको कि अगर आप मेरी क्लासेस लेते हैं तो हमारे पास रीज्वाइनिंग फ्री है, इन फ्यूचर में दोबारा सीखना चाहे तो सीख सकते हो, वीडियोज मिल रहा है, वीडियोज के जरिए रिपीट कर कर। सकते हो, और साथ में टेलीफोनिक सपोर्ट है। बट डीवीडी आप परचेज करते हो तो सिर्फ टेलीफोनिक सपोर्ट आपको मिलेगा, कि अगर कुछ पूछना हो तो फोन पे जो समझना हो समझ सकते हैं। और ये फीस कैसे इंस्टॉलमेंट में देना दे सकते हैं? क्या? फीस इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं? 5,000 मिनिमम इंस्टॉलमेंट होगी, दो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। दो महीने का ठीक कोर्स है। और आज आज ठीक है, समझ गया मैं। थोड़ा बहुत आज देख भी लेता हूँ आपकी वेबसाइट में जाके, आई पी चीज़ें, ठीक और यूट्यूब में थोड़ा देख लेता ठीक हूँ। ठीक और दूसरा चीज़, आपका अगर शाम को डेमो क्लास होगा कोई भी एक लेक्चर का, तो फिर वो भी मैं अटेंड करके एक बार देख लेता हूँ। शाम को आपका होगा ना लेक्चर, 6 बजे 7 बजे सब कुछ, नहीं, शाम को आपको 9:45 बजे मिलेगा वीवीए का। 9:45 बजे है? ठीक है, 9:45 बजे मैं अटेंड कर सकता हूँ मोबाइल से, ठीक तो 9:45 बजे भी अटेंड कर लेता हूँ, फिर कल फाइनल कर लेता हूँ मैं।